हेलो बच्चों, हम 10th क्लास की रिटेल का सेकंड यूनिट कर रहे हैं। तो इसमें आज हम टॉपिक कर रहे हैं मोड्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि रिटेल यातायात के तरीके। इससे पिछले की क्लास में हमने डिलीवरी प्रोसीजर पढ़ा था कि कस्टमर को हम वस्तुओं की डिलीवरी भेजते हैं। तो अगर हम कस्टमर के पास वस्तुएँ भेजते हैं या अपने लिए वस्तुएँ मंगवाते हैं तो वो कैसे भेजी जाएंगी? यातायात के साधनों के द्वारा ही भेजी जाएंगी। कोई भी साधन हो सकता है, ट्रक हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, कुछ भी साधन हो सकता है। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि कॉमन मोड्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि रिटेल यातायात के अधिकतर कौन से साधन इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से साधन होते हैं रिटेल में यातायात के कस्टमर के पास वस्तुएं भेजने की। तो हम रिटेल जो ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात है, उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है लैंड, वाटर, एयर। लैंड मतलब जमीन पर चलने वाले साधन, धरती पर चलने वाले साधन। वाटर यानी कि जल यातायात, जल मार्ग में चलने वाले साधन। और तीसरा है एयर यानी कि वायु यातायात, वायु में चलने वाले साधन। तो सबसे पहले हम करेंगे लैंड यानी कि जमीन पर चलने वाले साधन, धरती पर चलने वाले साधन। तो जमीन पर चलने वाले साधन कौन से होते हैं? जैसे कि ट्रक है, बस है, ट्रेन है, कोई भी ऐसा साधन जो धरती पर चल सकता है वो होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। सबसे ज़्यादा इन्हीं साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अधिकतर हम जो वस्तुओं की डिलीवरी करते हैं वो किसी भी गाड़ी, ट्रक, ऐसे ही साधनों के द्वारा करते हैं। दूसरा है वाटर, जल यातायात। जल यातायात में क्या आते हैं? नाव, समुद्री जहाज यानी कि बोट और शिप, ये सब साधन आते हैं। तो इस जो ये जल यातायात है, इसका इस्तेमाल बहुत दूर तक वस्तुएं भेजने के लिए और बहुत भारी वस्तुएं भेजने के लिए किया जाता है। आसपास के एरिया में वस्तुएं भेजने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि हर एक स्थान जल यातायात से कनेक्टेड नहीं होता। तीसरा है एयर यानी कि वायु यातायात। वायु में चलने वाले साधन कौन से होते हैं? हवाई जहाज होते हैं। तो एरोप्लेन या हवाई जहाज, उनका हम अधिक इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये साधन बहुत महंगे होते हैं और बहुत दूर तक भेजने के लिए, हल्की वस्तुएं भेजने के लिए इन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इनमें लागत बहुत अधिक आती है, ये साधन बहुत महंगे होते हैं। तो अब जो ये लैंड ट्रांसपोर्ट है, जमीन पर चलने वाले साधन, इनको भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है रोडवेज, दूसरा है रेलवेज। रोडवेज रोड पर चलने वाले साधन, ट्रक, जीप, कार, बाइक, स्कूटर, इनके द्वारा हम डिलीवरी करते हैं, तो वो हो गए रोड यातायात। दूसरा है रेलवेज। रेलवेज तो आपको पता है, ट्रेन, जो मालगाड़ी होती है, उनके द्वारा भी हम क्या करते हैं, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। जो रेलवे है वो हैवी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भारी वस्तुएं होती है, उनके यातायात का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता साधन है। ऐसी वस्तुओं के लिए सबसे अधिक रेल यातायात का ही उपयोग किया जाता है। तो ये थे कॉमन मोड्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, वाटर, एयर। और लैंड के आगे 2 हैं, रोडवेज एंड रेलवेज। थैंक यू।